जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी है उसके रिजल्ट से संबंधित एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक पत्रकार हैं संतोष के शर्मा, उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि 21 नवंबर में शाम को 5 बजे रिजल्ट आएगा और 28 नवंबर से DVPST शुरू होंगे और 15 नवंबर से दौड़ शुरू हो जाएगी। फिर यही न्यूज उत्तर प्रदेश .org.news करके पेज है, उसने भी प्रकाशित की है। तो क्या ये सच है या आपको फिर धोखा दिया जा रहा है, तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बरादरी का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संतोष के शर्मा आखिर हैं कौन। संतोष के शर्मा आज तक न्यूज के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी पुराने पत्रकार हैं आज तक न्यूज के। उन्होंने ये ट्वीट किया है और इसके बाद ही न्यूज पेज ने उनका कॉपी पेस्ट मार दिया। ठीक है, आजकल न्यूज वाले भी ट्वीट वगैरह पर ही चलते हैं। वैसे काफी पिछले दिनों से अखबारों में तो आ ही रहा है कि थर्ड वीक के लास्ट में यूपी पुलिस का रिजल्ट प्रकाशित होगा। हर जगह भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि थर्ड वीक खत्म होने से पहले यूपी पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इनकी बात में कितनी सत्यता है? इन्होंने ट्वीट में कहा है कि 21 नवंबर को आचार संहिता खत्म हो जाएगी, मतलब 20 में जो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो आचार संहिता की वजह से कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड या सरकार ने रिजल्ट रोक रखा था कि कहीं विपक्ष ये ना सवाल खड़ा करें चुनाव आयोग कि इसका लाभ लेने के लिए रिजल्ट प्रकाशित किया है 20 तारीख से पहले, तो 21 में 20 के बाद भर्ती बोर्ड रिजल्ट प्रकाशित कर देगा तो इतने चुनाव 20 में हो ही जाएगा, फिर कोई सवाल भी नहीं उठेगा कि 21 में रिजल्ट आ गया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच समझकर ट्वीट कर दिया है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि 21 में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन संभावना है 21, 22, 23 में रिजल्ट आ सकता है। पूरी पूरी संभावना है 23 तक, प्रोबेबिलिटी है 21 से 23 तक रिजल्ट 100% आ जाएगा। ठीक, अगर 20 से पहले अगर रिजल्ट प्रकाशित होता तो कहीं ना कहीं मुद्दा एक बहुत बड़ा बनता और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में चलता कि चुनाव की वजह से ये रिजल्ट आया है वरना रिजल्ट नहीं आता। तो हो सकता है चुनाव के बाद 21, 22, 23 में रिजल्ट आ जाए, लेकिन अब अगर हम बात करें 5 बजे की तो मैं तो कहूंगा यार 4 बजे ही आ जाए, ये तो खुशी की बात है। बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो अगर पहले आ जाएगा तो और अच्छी बात है, पहले आ जाए मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी अगर हम DV की बात करें तो DV का इन्होंने बोला 28 में DV हो जाएंगे। यार ये मुझे सत्यता इसमें नहीं दिख रही, क्योंकि 28 से DV होने का मतलब है अब तक, आज 19 तारीख है, कुछ ना कुछ तैयारियां अब तक शुरू हो चुकी होती और भर्ती बोर्ड वगैरह से हमारे यहाँ भी कोई ना कोई लेटर वगैरह आ गया होता अब तक, लेकिन अभी तक कोई भी लेटर वगैरह नहीं आया है, क्योंकि भर्ती बोर्ड 8 से 10 दिन पहले ही सूचित कर देता है हर जिले के जो SP हैं उन्हें कि आपके जिले में इस रेट को DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसकी टीम गठित कीजिए। तो उसमें क्या होता है, फिर टीम में कुछ लोग चुने जाते हैं, SP सर ही उसे बनाते हैं कि हाँ ये CO नियुक्त रहेंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो एक गजेटेड ऑफिसर रैंक का अधिकारी वहां नियुक्त होता है। तो अब इस समय क्या है, जैसे कुंभ का मेला चल रहा है तो काफी सारे डिप्टी SP वगैरह और काफी सारा पुलिस बल कुंभ के मेले में गया हुआ है, लेकिन इससे DV प्रभावित नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम चाहिए हर जनपद को एक टीम गठित करने के लिए और भर्ती बोर्ड भी पहले सूचित करेगा। तो अभी तक कोई भी सूचना वगैरह नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 में होगा, तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि अगर आपका रिजल्ट आ भी जाता है 21, 22, 23 में तो DV 28 से होना मतलब संभव नहीं है। थोड़ा एक सप्ताह 8-10 दिन का टाइम तो भर्ती बोर्ड या हर डिस्ट्रिक्ट के कप्तान लेंगे उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं 15 दिसंबर से रेस की। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया फिक्सन किया है, 15 दिसंबर का काफी समय है और ग्राउंड तैयार है हर जिले की पुलिस लाइन में या PAC बटालियनों में, तो कहीं ना कहीं रेस हो सकती है 15 दिसंबर से, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें काफी सारा टाइम मिल जाएगा। DV के बाद तो 15 दिन दौड़ में लगे भी नहीं थे लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी पुलिस की, तो रिजल्ट आने के 8-10 दिन के बाद DV स्टार्ट हुए और फिर रेस भी, जैसे उसमें दो कंडीशन होती है रेस के समय, कुछ छात्रों का तो ऐसा करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं फिर उन्हें 3-4 दिन के बाद ही डेट दे देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लो आज 100 छात्रों का हुआ, उनको 3 दिन या 4 दिन बाद की डेट दे दी कि आपकी रेस इस डेट को होगी 3 दिन के बाद। और फिर एक कंडीशन ये भी है कि ये सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, DVPST करा लें और उसके बाद रेस की डेट जो ये लोग देंगे वो 1 हफ्ते या 15 दिन बाद की दे दें।
तो ये तो देखो भर्ती बोर्ड के ही ऊपर है, वो कैसे डिसाइड करेंगे वो लोग कि साथ साथ DVPST के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST के दौड़ भी होती रहे 2-3 दिन बाद, या फिर उसमें ये बीच में 10-15 दिन का टाइम लेने वाले हैं। ये तो बाद में ही क्लियर हो पाएगा जब DV वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तब। अगर ऑफिशियल कुछ आएगा तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। प्रोबेबिलिटी है 21-22-23 में आपका रिजल्ट आ सकता है, आप लोग रेडी रहो। और रिजल्ट देखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हैं रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने जो एडमिट कार्ड उस समय निकलवाया था एग्जाम के समय उसे ढूंढ कर रख देना, वो आपका खो ना गया हो, ठीक है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस समय आपने फॉर्म फिल किया था, तो वो भी फॉर्म जो पूरा होगा वो संभाल कर अपनी फाइल वगैरह में रख लेना, और एडमिट कार्ड भी संभाल कर रख लेना, क्योंकि इन चीजों की ही जरूरत आपको रिजल्ट के टाइम पर पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जागरूक हैं, आप सब ने अपने डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से एक फाइल में मेंटेन किए होंगे ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और DV से संबंधित एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी है, तो जाइए और देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित अगर आपके फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक हो गई थी, या फिर आपने जाति और निवास प्रमाण पत्र पुराने लगाए हैं, तब भी आप वो वीडियो देख लीजिए। और मिस्टेक होने के बाद भी आप किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई करोगे, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लेना, और जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स वगैरह के टॉपिक होते हैं मैं वहां शेयर करता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। और जो भी नई वैकेंसी से संबंधित अपडेट होती है वो भी मैं उस ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।